मैं राष्ट्रीय जनरल का स्टैंड बाय स्टैंड जम्मू कश्मीर से यहाँ पे एक टीचर ने एक हमारे स्टूडेंट बच्चे ने यहाँ पे बोर्ड पे जय श्री राम लिखा हुआ था, उसके ऊपर उस टीचर ने कोई डॉक्टर फारूक जी उनको टीचर है, उन्होंने उस बच्चे को प्रिंसिपल ऑफिस में जाके उसने भी मारा है और बनी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मारा है। हमें सिर्फ इतना बताया जाए जय श्री राम का नारा लगाने के बावजूद अगर जय श्री राम है जय श्री राम हो गए और जय श्री राम का नारा लगाने से हमारे बच्चों को क्यों मारा गया। हम इमीडिएटली सरपंच करनी चाहते हैं उसकी, आगे की बात आगे बताते हैं। क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? क्या बात हुई आप क्यों आज कर रहे हैं? जय श्री राम लिखा था और सर ने वो किया, क्या बोलते हैं, फारूक सर ने और किसी को मारा अंदर लेके प्रिंसिपल ने भी मारा है, प्रिंसिपल ने भी मारा है, प्रिंसिपल ने भी मारा है, प्रिंसिपल ने लातों से मारा है उस बच्चे को। जी सर, अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ सर, हमें ये बताया जाए कि जय श्री राम लिखना कोई गुनाह है? हमें हमारे लड़के उसने हमारे साथी को मारा क्यों? इस वजह पे मारा क्योंकि उसने ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम प्रिंसिपल सर ने भी उसको लातों से मारा, ये तो इंसानियत है सर, हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। जय श्री राम मारा है उसके बाद भारत माता की हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। प्रिंसिपल स्पीच ने मारा है, जय श्री राम लिखने में उनको कौन सी बुरा बात लगी? जय श्री राम ने लिखना, अगर उन्होंने अल्लाह अकबर लिख दिया तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं है, अपना अपना धर्म है और किसी के धर्म में उनका कोई अच्छी बात नहीं है। बुरा बोला क्यों? इस उस टीचर को, उस प्रिंसिपल को मारा। आपसे आपके चैनल से यही हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उस टीचर को अरेस्ट किया जाए और भारत में रहना है, वंदे मातरम कहना है, भारत में रहना है तो जय श्री राम का नारा हम बोलेंगे। और अगर ऐसे ऐसे कोई भी धर्म के नाम पर अगर ऐसा कोई बदतमीजी करता है उसको अरेस्ट करना चाहिए। जय श्री राम। एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है, हमारे यहाँ के मौजूद जितने भी आपके रहनुमा लीडर हैं, हमारे अच्छा एमएलए साहब, हमारे डीडीसी मैडम, सरपंच साहिबान, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी या जितने भी और लीडर्स हैं और बनी की आवाम,
ये आपका साथ दे रहे हैं इसमें, ठीक है आप लोगों बच्चों के लिए भी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि ये बच्चों का इशू है, स्कूल का इशू है, ये बच्चों का इशू है, स्कूल का इशू है। स्कूल एक मंदिर है, शिक्षा का केंद्र है, आ रहा है, उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ, आप सुनिए जरा। तो बच्चों की डिमांड क्या है मुझे वो सुननी थी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, देखिए स्कूल में आप बच्चे को मारा है, पीटा है, उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है, इसके लेके, इसको लेके जितने भी मेरे पास स्टूडेंट लीडर हैं, अगर वो अपनी एक कमेटी बना देंगे और मुझे अपना मेमोरेंडम दे देंगे, अगर वो चाहते हैं कि उनकी नाम जो है सीक्रेट रखे जाए, वो उनका डिमांड क्या है, वो चाहते क्या है, वो मुझे दे दीजिए, मैं आपको इधर से आश्वासन देता हूँ, सुन लीजिए बात मेरी है, सुन लीजिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए, बात समस्या जो है, जो भी आपकी इशू है वो बैठ के ही सेटल डाउन होगा। आपको ये मैं बोल सकता हूँ कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी कानून जाब्ता के अंदर होगा वो हम हल कर देंगे। Jai Shri Ram, 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 Jai Shri
एक पढ़ने के लिए।